हेलो बच्चों वेलकम बैक तो कैसे हैं आप लोग आज की जो हमारी वीडियो है े वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि हम यहां पर स्टडी करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल फाइंडिंग्स को जिनको आपको जेई की प्रिपरेशन अगर आप स्टार्ट कर रहे हो या फिर अगर आप कर भी रहे हो या फिर आप इलेवंथ ग्रेड में जस्ट एंटर हुए हो तो इन इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल फाइंडिंग्स को हमें जानना जरूरी है क्योंकि इसके बिना ना कई जगह इन चीजों का यूज होता है और हम इनके मीनिंग को जब नहीं समझते हैं तो हम वहां पर फिजिक्स के या केमिस्ट्री के उस कोर कॉन्सेप्ट को फील नहीं कर पाते हैं और मजबूरन हमें रट्टा मारना पड़ता है ये तो रही फिजिक्स केमिस्ट्री की बात इवन मैथमेटिक्स

आपका ये ग्राफ क्या होता है और फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है इसकी नॉलेज लेंगे और फिर आगे जो हमारी नेक्स्ट मैथमेटिकल फाइंडिंग्स होंगी वो क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ आपका पाई कैसे आया उसके बारे में जानेंगे लॉगरिदम के बारे में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर हम जानेंगे कि जो ये आपका ई e होता है ई इज इक्वल टू टू पॉइंट सेवन एट टू एट वन इस तरीके से आगे जो ये इेशनल नंबर होता है इस नंबर को कैसे ढूंढा गया और फिर हम लोग एक आपका वीडियो और आएगा जो होगा पार्शियल डिफ्रेंसिएशन के ऊपर या पार्शियल डेरिवेटिव के ऊपर क्योंकि वो भी आपके सिलेबस में नहीं है बट जब आप फिजिक्स में सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव्स को जब स्टडी कर रहे हो कर रहे होगे तो वहां पर उसकी नीड पड़ेगी और हम लोग जानेंगे एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सी चीज ठीक है लेकिन ये, ये, ये चीजें so कैसे आई इन सब चीजों के यही है वो मैथमेटिकल फाइंडिंग्स जिनका जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है तो फिर अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए इस सफर को हम लोग शुरू करते हैं और आज हम लोग चर्चा करेंगे

एंड आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनमें डिफरेंस क्या है और इनका यूज क्या है ठीक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस अब देखो यहां पर हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस आपने देखी होंगी व्हाट इज मैथमेटिक्स वो आपने देखा होगा नहीं देखा होगा तो प्लीज उसको चेकआउट करिएगा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा नहीं तो हमारे चैनल पे जाओ या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो वहां पर आपको चीजें सीक्वेंस में मिलेंगी सो so, अब यहां पर बात यह आती है कि हमने एक चीज जानी कि मैथमेटिक्स क्या होता है मैथमेटिक्स है नेचर से कम्युनिकेट करने वाली भाषा जिसमें हमने क्या देखा था हमने यह देखा था कि नेचर में अगर हम किसी की किसी की स्ट्रेंथ को मेजर करना चाहते हैं तो हमने यहां पर एक स्केल लिया कि इतनी दूरी को हमने एक यूनिट माना फिर उतनी ही दूरी दोबारा बढ़ाई और बढ़ाई और बढ़ाई और हमें क्या मिला था नंबर लाइन मिला था और सेम आगे जाना आपका प्लस था पीछे आना आपके लिए माइनस था और यहां से हमारी नंबर लाइन बनी कि ये जीरो होगा ये प्लस वन होगा ये प्लस टू होगा ये प्लस थ्री होगा सिमिलरली ये माइनस वन होगा ये माइनस टू ये माइनस थ्री एक अगर मैं इसको मीटर लेता हूं इस डिस्टेंस को तो एक मीटर आगे दो मीटर आगे तीन मीटर आगे एक मीटर पीछे, दो मीटर पीछे तीन मीटर पीछे क्योंकि प्लस माइनस आपके क्या होती है डायरेक्शन फाइंडिंग थी ना हमने नेचर से बात करने की शुरुआत करी नेचर ने हमें एक नई और चीज सिखाई और हमारी मैथमेटिकल जो लैंग्वेज है वो और ज्यादा डीपन होनी स्टार्ट हो गई यानी और ज्यादा एनहांस होनी स्टार्ट हो गई अब इसी के साथ ना ह्यूमंस ने अपनी इंटेलिजेंस <coughs> का यूज किया और कहा कि यार ये जो हमने एक नंबर लाइन बनाई है ना इसकी मदद से हम किसी की भी पोजीशंस को बता सकते हैं क्या बता सकते हैं पोजीशंस को बता सकते हैं एंड पोजीशन का यूज आप कहां करने वाले हो फिजिक्स में यूज करने वाले हो और वहीं पर आपका वेक्टर्स आएगा जो इसको समझने के बाद आपके लिए वेक्टर समझना आसान होगा ठीक है सो so अब देखो अब उन्होंने क्या किया पोजीशन बताने के लिए इन्होंने इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाई और उन्होंने कहा जैसे आगे जाना प्लस है और आगे का मतलब क्या होता है कि जहां मैं देख रहा हूं उसी डायरेक्शन में मैं आगे जाऊंगा और जो मेरा बैकवर्ड साइड का डायरेक्शन है वो मेरा पीछे जाने का डायरेक्शन है तो जहां मैं देख रहा हूं वो डायरेक्शन मेरे लिए प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई ये वाली पीछे वाली डायरेक्शन नेगेटिव हो गई अगर यही चीज मैं ऐसे कर दूं कि लेफ्ट जाना पॉजिटिव हो जाए और राइट जाना नेगेटिव हो जाए तो यहां से मैंने क्या देखा एक स्टेप या एक मीटर आपका यहां पे प्लस वन, लेफ्ट में प्लस प्लस सिमिलरली राइट में जाने के लिए माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री और यहां से अब हमें एक मजेदार चीज एक नई फाइंडिंग मिल गई कि अब किसी की भी पोजीशन बताना हमारे लिए कितना आसान हो जाएगा अब आप देखो कैसे ठीक है इस डिस्कवरी को देखिए आप और सिंपली अगर मान लो मेरा एक फ्रेंड यहां पर खड़ा है तो मैं उसकी पोजीशन कैसे बताऊंगा तीन मीटर आगे जाओ इस दिशा में जहां देख रहे हो वहां जाओ और उसके बाद तीन मीटर अपने आप को नाइन्टी डिग्री टर्न कर लेना कहा लेफ्ट डायरेक्शन में यानी कि तीन मीटर आगे जाओ फिर तीन मीटर इधर जाओ आप पहुंच गए और यहां पर मैंने उसकी पोजिशन को या अपने दोस्त को मैंने उसकी लोकेशन देख लिया अपने दोस्त को मैंने ढूंढ लिया या फिर अगर आपका दोस्त यहां खड़ा है तो आप बोल सकते हो एक मीटर आगे जाओ और दो मीटर राइट में जाओ आप उसके पास पहुंच गए और यहां से अब हमने कहा कि यार किसी की भी पोजीशन को बताना कितना आसान हो गया है जस्ट पहले आप इस एक्सिस पर जो जितना आप चले हो पहले वो लिखो विद साइन प्लस थ्री कॉमा और फिर जो उसके परपेंडिकुलर एक्सिस है उसको लिखो और इनको एक नाम दिया हमने नाम दिया क्या कॉर्डिनेट्स ठीक है तो अब हम इसको कॉर्डिनेट बोलेंगे तो इस पॉइंट का कॉर्डिनेट हो गया मेरे पास प्लस वन कॉमा माइनस टू और इससे हमें ये चीज पता चली कि भाई अगर प्लस थ्री प्लस थ्री लिखा है तो इसका मतलब पहले आप इस डायरेक्शन में बढ़े हो ठीक है तो ये आपका तीन मीटर आगे गए तीन मीटर लेफ्ट में गए प्लस वन क्या बोल रहे हैं एक मीटर आगे गए माइनस टू बोल रहे हैं दो मीटर राइट में गए और अगर मैं एक कोऑर्डिनेट लिखता हूं यहां पर ये वाला तो यह आएगा माइनस टू कॉमा प्लस टू तो इसका मतलब क्या हुआ दो मीटर पीछे गए गए मीटर आप आप अपने लेफ्ट में गए। सो अब देखो इन प्लस माइनस की मदद से आप बता सकते हो और प्लस माइनस और नंबर की मदद से आप अपनी दुनिया को एक नंबर्स बिछा दिया है आपने उन नंबर्स की मदद से किसी की भी पोजीशन बता सकते हो और इसी चीज को फिर आगे चल के नाम दिया गया कोऑर्डिनेट प्लेन कोऑर्डिनेट प्लेन

अब जो बी है ठीक है यहां पर अब चीजों को स्टैंडर्ड करना होगा ताकि सबके लिए कैलकुलेशन करना सेम रहे तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का स्टैंडर्ड कैसे बनेगा इस चीज को समझते हैं अब देखो इस ये जो B न, ये जो है ना बेसिकली की आंखें कहां देख रही हैं हम वो डायरेक्शन लेते हैं तो बी इस डायरेक्शन में देख रहा है ठीक है और जो ए है आपका वो इस डायरेक्शन में देख रहा है ए को यहां पर लिखता हूं ए इस डायरेक्शन में देख रहा है ठीक है सो so, आप यहां पर अब बनाओगे कि जहां आप देख रहे हो उस एक्सिस को आप नाम दोगे एक्स एक्सिस उस जमाने में कुछ और बोला होगा आज हम इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं ठीक है तो हमने क्या किया हमने यहां पर बी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्स एक्सिस डेवलप कर दिया ठीक है और इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगा ठीक है उस एक्सिस को हम लोग बनाएंगे एक्सिस को हम लोग नाम देंगे क्या वाई एक्सिस ठीक है अब ये बन गया बी का कोऑर्डिनेट प्लेन यानी कि बी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपने अगर उसको C के पास जाना है, तो वो अपने आते हैं और यहां से ऐसे जोड़ते हैं तो बी बोलेगा कि भाई जहां मैं देख रहा हूं वहां से एक कदम आगे बढ़ता हूं फिर 90 डिग्री मुड़ता हूं और मान लो ये वन स्टेप के बराबर है टू स्टेप थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व

फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोऑर्डिनेट प्लेन तो सबको एक जैसा नजर आएगा लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस सबके लिए अलग अलग होगा अब यहां पर देखो ए का फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाते हैं यानी कि ए का कोऑर्डिनेट प्लेन बनाते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन ये हो गया लेकिन जब किसी पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हो तो ये बन गया आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो ए जो है वो कहां देख रहा है पीछे की तरफ देख रहा है पीछे नहीं इस डायरेक्शन में देख रहा है क्योंकि वो उसके लिए आगे होगा तो ए के ए के लिए जो ये वाली डायरेक्शन है ठीक है ये बनेगी प्लस एक्स डायरेक्शन ठीक है और इसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है ठीक है वो बन जाएगा आपका प्लस और सॉरी ये वाली डायरेक्शन बनेगी प्लस वाई ये बनेगी आपकी माइनस वाई और ये बनेगा आपके पास माइनस एक्स क्यों क्योंकि अब आप खुद देखो सी की पोजीशन को देखो और यहां से आप मूव करते हुए इसके इनिशियल स्टेप पे आ जाओ और अब आप क्या देखोगे ए क्या बोलेगा सिर्फ आप उसको ऑब्जर्व करो ए बोलेगा कि यार मुझे इतना पीछे जाना होगा क्योंकि ए तो इधर देख रहा है तो ए उतना पीछे जाएगा और फिर इस तरफ आएगा तब जाके वो सी के पास पहुंचेगा तो यहां पर सी का जो है या सी तक पहुंचने के लिए ए को अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्योंकि भाई देख तो वो इधर रहा है ना उसकी आईज जो है वो इधर देख रही है और इसी को कहते हैं हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कई बार बच्चे क्या है हमारी बुक्स में तो भाई सीधा बस एक्स इधर वाई इधर एक्स इधर माइनस एक्स इधर प्लस वाई इधर माइनस वाई इधर दिखता है तो हम लोग इसको रियलिटी के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं और अब देखो सेम पर्सन सी के लिए अगर मैं बी के कोऑर्डिनेट्स देखूं तो दैट विल बी वन स्टेप तो यहां पर मैं सेम स्ट्रेंथ अगर लेता हूं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन मान लेते हैं वन टू थ्री तो अगर मैं यहां पर सी के कोऑर्डिनेट बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो वो कितना आएगा

तो अगर बी ए को अपना डेटा बोलेगा कि बी बोलेगा कि यार ऐसा करो एक्सिस X -X पे एक कदम आगे बढ़ जाओ वो एक कदम आगे बढ़ गया फिर पॉजिटिव में पॉइंट आगे बढ़ जाओ तो 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 भाई A तो यहां पहुंच गया इसलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर्सनल होता है क्योंकि आप किसी भी चीज को ऑब्जर्व करोगे तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो ना किसी दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी बताओगे अगर आप धरती पर हो ठीक है और आपका दोस्त सामने खड़ा हुआ है तो आप यही बोलोगे ना कि वो मुझसे एक मीटर की दूरी पर है या फिर ये बोलोगे कि वो चांद से ख तिरासी हजार किलोमीटर दूर है तो पहले मैं चांद पे जाऊंगा चांद से उसकी पोजीशन बताऊंगा फिर उसके पास आऊंगा ऐसा तो नहीं करते हैं सो so, रियलिटी के साथ जुड़ो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ये यूज है और अब इन्हीं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जब आप पोजिशन देख रहे हो तो अब आपके पास दो पाथ है या तो कॉर्डिनेट एक्सिस को फॉलो करो या फिर ये शॉर्टेस्ट पाथ यानी कि हाई क्योंकि कोऑर्डिनेट प्लेन आपका 90 डिग्री पे बनता है एक्स और वाई तो आपको यहाँ राइट एंगल ट्रा मिलेगा ये वाला पाथ फॉलो करो और ये पाथ भी देखो ये आपका रियलिटी वाले मोशन का पाथ होगा तो इसके लिए ये पाथ क्या होगा ये वाला होगा ठीक है और दोनों के लिए एंगल्स भी क्या होंगे डिफरेंट डिफरेंट होंगे अगर इसका अल्फा है तो इसका आपका बीटा होगा तो यहां पर अब हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस की इंपॉर्टेंस को समझा इट इज बेसिकली कोऑर्डिनेट प्लेन लेकिन जब इंडिविजुअल लेवल पर कोई पर्सन किसी की पोजीशन को बताने के लिए नेचर में नंबर्स को बिछाता है तो उसकी पोजिशन को वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताता है और वही बनता है उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस और यहां से खुद ब खुद एक नीड निकल कर आती है कि यार बी का भी एक कॉर्डिनेट पॉइंट होगा ए के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जो कि क्या होगा आप ऐसे देखो और ऐसे देखो वन टू थ्री थ्री एंड हाफ ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो आप यहां पर अगर बी का कोऑर्डिनेट लूंगा मैं तो ए के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आ रहा है थ्री पॉइंट फाइव प्लस में कॉमा प्लस में टेन सो so, मान लो जंग चल रही है बी वो है जो बी एक स्नाइपर है बी कौन है एक स्नाइपर है ए जो है ये यह यहां पर फौजी दस्ता है जो थल सेना वाले लोग हैं वो जा रहे हैं उन्होंने दुश्मन को लोकेट कर लिया अब वो स्नाइपर को कोऑर्डिनेट्स बताना चाहते हैं तो क्या वो ये कोऑर्डिनेट बताएंगे या ये कोऑर्डिनेट बताएंगे ऑब्वियसली ये कोऑर्डिनेट बी के लिए ज्यादा रेलिवेंट होगा अपने कोऑर्डिनेट के हिसाब से अब स्नाइपर यहां आके तो गोली नहीं मारेगा सो so, यहां पर आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो आपका ओरिजिन है अगर ओरिजिन को देखो वो शिफ्ट भी हुआ है और रोटेट भी हुआ है और ऑटोमेटिकली आपके लिए दो कॉन्सेप्ट्स की नीड निकल कर आ गई ठीक है एक आ गया ओरिजिन शिफ्ट ठीक है देखो नीड खुद ब खुद निकल कर आ रही है हमें हम ये सोचते ना कि मैथ्स में पढ़ते क्यों है ये सारी चीजें लेकिन देखो नीड आ रही है ठीक है और यही नीड आपकी रियलिटी से जुड़ी हुई है एंड आपने सिर्फ ओरिजिन शिफ्ट किया तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिर्फ ऐसे चल के आया और फिर उसके बाद फ्रेम ऑफ रेफरेंस रोटेट हुआ है क्योंकि इसका प्लस एक्स एक्सिस यहां पर है इसका प्लस एक्स एक्सिस यहां पर है तो भाई इसको इतना रोटेट होना होगा नहीं इतना नहीं इस डायरेक्शन में है तो इतना रोटेट होना पड़ेगा तो यहां पर रोटेशन ऑफ एक्सेस रोटेशन ऑफ एक्सेस आगे देखो नीड है तभी तो हम चीजें ढूंढते हैं और नीड निकल कर आ गई तो इट मीन ये दो चीजें भी आप लोग पढ़ोगे ठीक है हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है बट मैं आपको ये चीज पढ़ाऊंगा क्योंकि ये उतना भी मुश्किल नहीं है हमने रियलिटी को तो देख ही लिया है तो इनको समझना भी कोई बड़ी बात नहीं है भाई कदम ही तो गिनने हैं इतना कदम गिनने के बाद अब हां ये सिलेबस में नहीं है पर जय के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं आपकी पूरी कॉर्डिनेट ज्योमेट्री इन दोनों चीजों की वजह से बहुत आसान हो जाती है और सच में जब आप कॉर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे तो आप देखना कैसे इनकी मदद से जो क्वेश्चन को करने में रेगुलर वे में आपको ऑलमोस्ट चार से पांच मिनट लग रहे हैं इन कॉन्सेप्ट को समझने के बाद और ये हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जब आप स्ट्रेट लाइन और कोनिक सेक्शन पढ़ रहे हो वहां पर ये दोनों टॉपिक्स आपके आएंगे तो जब आप इन चीजों को पढ़ोगे तो आप देखोगे कि यार अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने में मुझे तीस सेकेंड लग रहे हैं अब दुनिया इसको टिप्स एंड ट्रिक्स बोलती है बट ये तो कॉन्सेप्ट है हम उसको टिप्स एंड ट्रिक्स बना के अपने आप को गुमराह कर रहे हैं और मैथमेटिक्स की वास्तविकता के साथ जुड़ नहीं रहे हैं ठीक है इसलिए इन चीजों को एज अ हम लोग पढ़ेंगे तो देखो जो जो चीजें हमारे सिलेबस में नहीं है वो चीजें खुद ब खुद नीड बन के हमारे पास आ रही हैं और इनको जानने से ही तो हमारी मैथमेटिक्स आसान होगी है ना तो इसको आसान बनाते हैं और अगेन वही बात मैं कहूंगा एप्लीकेशन में सीक्वेंस में चीजें मिलेंगी तो आपके लिए पूरी जर्नी आसान और इजी हो जाएगी तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करो डिस्क्रिप्शन में लिंक है एंड मजेदार चीज क्या होगा एक ऐसे टेस्ट हम लोग हर चैप्टर के साथ लिया करेंगे जो आपके कॉन्सेप्ट को टेस्ट किया करेगा एक है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट एक बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट हुआ लेकिन कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि हम ये चेक करना चाहते हैं कि आपने नॉलेज कितना लिया तो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के ऊपर आपका वहां पर टेस्ट होगा जहां पर आप फॉर्मुला बेस्ड अप्रोच लगाओगे तो हो सकता है हो जाए क्वेश्चन बट मोस्ट केसेस में नहीं होगा क्योंकि हम रियलिटी बेस्ड अप्रोच देंगे आपको आपको वहां सोचना पड़ेगा और जब आप सोचोगे तभी आप असली पढ़ाई करोगे ठीक है सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा यहां पर कंप्लीट हुआ और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर जो चीजें यहां पर हम समराइज करेंगे वो क्या है इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नो कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या स्टैंडर्ड पॉइंट्स हैं उन चीज को समझते हैं स्टैंडर्ड्स स्टैंडर्ड्स क्यों बनाए जाते हैं बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है ताकि सारी दुनिया एक ही चीज को फॉलो करे तो जहां आप देख रहे हो ठीक है जहां आप देख रहे हो ठीक है आईज जिस डायरेक्शन में देख रही है वो डायरेक्शन बनेगी आपकी प्लस एक्स एक्सेस आईज के पीछे वाली डायरेक्शन बनेगी आपकी नेगेटिव एक्स एक्सेस ठीक है और उसके परपेंडिकुलर दो एक्सेस बन रही हैं ये वाली प्लस वाई ये वाली माइनस वाई अब यहां पर प्लस वाई माइनस वाई कैसे चूज किया जाएगा उसका सिंपल स्टैंडर्ड है जैसे प्लस और माइनस आपके लिए डायरेक्शंस हैं उसी तरीके से रोटेट करने के भी दो पार्ट होते हैं या तो मैं इधर रोटेट करूं या फिर मैं इधर रोटेट करूं ठीक है सो so, उसी को हमने जब ऑब्जर्व किया तो हमने कहा जैसे आगे जाना पीछे जाना प्लस माइनस हुआ सिमिलरली हमने ये डिफाइन दि, कर दिया अब कि एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं रोटेट होऊंगा दैट विल बी प्लस थीटा यानी कि आप पॉजिटिव डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हो और अगर आप इस डायरेक्शन में रोटेट करते हो दैट विल बी माइनस थीटा तो अगर आपको खुद ब खुद समझ जाओ कि अगर लिखा है डिग्री और सिक्सटी डिग्री लिखा है तो इसका मतलब आपको ऐसे रोटेट करना है एज सिंपल एज दैट और अगर लिखा है माइनस सिक्सटी डिग्री तो आपको ऐसे रोटेट करना है काम खत्म ठीक है सो so यहां से हमारे पास आया अगर मान लो मेरा जो प्लस सिक्सटी डिग्री पे जाना है तो मैं यहाँ पे प्लस सिक्सटी डिग्री रोटेट करूंगा और फिर आगे बढ़ूंगा और अगर मुझे मान लो माइनस थर्टी डिग्री पर जाना है तो मैं माइनस थर्टी डिग्री पर रोटेट करूंगा और इधर जाऊंगा अगर मुझे पहले सिक्सटी डिग्री प्लस करना है और उसके बाद माइनस फिफ्टीन डिग्री करना है तो मैं अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या करूंगा पहले सिक्सटी डिग्री अप जाऊंगा और फिर माइनस फिफ्टीन डिग्री यानी कि वापस पीछे आऊंगा जैसे पहले यहां गया फिर यहां आया सिंपली आगे जाना पीछे आना तो इसमें क्या हुआ आगे रोटेट करना पीछे रोटेट करना ए सिंपल एज दैट तो प्लस माइनस डायरेक्शन की तरह यूज हो रहे हैं ठीक है चलो तो देखो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ सो अब प्लस वाई एक्सिस कौन सा होगा प्लस वाई एक्सिस आपका आएगा वहां पर जहां पर मिलेगा आपको प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री यानी कि आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो वो होगा आपका प्लस वाई और माइनस वाई कहां होगा माइनस 90 डिग्री पर ए सिंपल एज दैट और इसी चीज को आगे चल के हमारी दुनिया तो थ्री में है हमारी दुनिया थ्री में है तो यहां पर हमारे पास बन गया थ्री फ्रेम ऑफ रेफरेंस और वो कैसे बना बहुत ही आसान ये रहा आपका प्लस एक्स एक्सिस उसके परपेंडिकुलर यहां बनाओ गया प्लस वाई एक्सिस और इसके भी परपेंडिकुलर इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइक दिस प्लस एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस प्लस जेड एक्सेस ठीक है तो ये इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है यहां यहां 90 डिग्री है और यहां यहां 90 डिग्री है तो ये बन गया प्लस एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस ये बन गया प्लस जेड एक्सिस तो इनका ऑपोजिट डायरेक्शन जो है लाइक like दिस ये बन गया आपका ये बन गया माइनस एक्स एक्सिस ये बन गया माइनस वाई एक्सिस ये बन गया माइनस जेड एक्सिस और आपका कॉर्डिनेट्स आर एज सिंपल एज दैट वैसे ही बता सकते हो और अब कोऑर्डिनेट्स के साथ हमारे पास एक नीड खुद ब खुद निकल कर आ गई ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्यों बताया हमने ताकि हम किसी की पोजीशन बता सके पोजीशन के साथ साथ हमें उसका एंगल भी पता होना चाहिए तभी तो हम हाई वाले रास्ते पे जा सकते हैं ठीक है अब देखो नीड्स को समझो बस नीड्स के साथ कनेक्ट करो तो अगर मेरे पास ये मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और कोई पर्सन यहां पर है तो ये रहा उसका एक्स कॉर्डिनेट ये रहा उसका वाई कॉर्डिनेट और ये रहा उसका हाई और ये रहा वो एंगल तो खुद बखुद आपको नजर आ रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो अगली वीडियो हमारा होगा पाइथागोरस के ऊपर क्यों क्योंकि हमें उसकी नीड है जब हम वेक्टर्स पढ़ेंगे तो हम क्या उसको रट्टा मारेंगे नहीं भाई पोजीशन ही तो बतानी है इसी को हम लोग पोजीशन वेक्टर कहते हैं तो पोजीशन वेक्टर में मुझे मैग्नीट्यूड बताना है इस मैग्नीट्यूड को मैं कैसे बताऊंगा पाइथागोरस से बताऊंगा और फिर मुझे ये एंगल बताना है एंगल मैं कैसे बताऊंगा एंगल में ट्रिग्नोमेट्री की मदद से बताऊंगा तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को तो हमें पूरे मोशन में यूज करना है जहां जहां मोशन होगा वहां वहां फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा और जहां जहां फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वहां ऑटोमेटिकली पाइथागोरस और ट्रिग्नोमेट्री की नीड पड़ेगी तो बन गई ये इंपॉर्टेंट चैप्टर

अब आगे चल के एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना ठीक है डेवलप हुआ जो था आपका पोलर कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट सिस्टम सिस्टम पोलर सिस्टम. अब अब क्योंकि आपको पता है है ठीक सो अब आप यहां पर देखोगे अगेन उन्होंने ऐसे ही दो एक्सेस बनाए लेकिन यहां पर अब उन्होंने किसी की भी पोजिशन को बताने के लिए मान लो एक पर्सन यहां खड़ा है तो उन्होंने कहा यह वो डायरेक्शन है जहां आपकी आईज देख रही है ठीक है वही चीज जहां आंखें देख रही हैं उसके पीछे वाला डायरेक्शन ठीक है अब इस पोजीशन पर पहुंचने के लिए आपको क्या करना है कितना एंगल आप पहले रोटेट करोगे मान लो ये एंगल थीटा है ठीक है तो मैं यहां देख रहा हूं तो मैं पहले इतना एंगल रोटेट करूंगा और फिर सीधा आगे बढ़ जाऊंगा ठीक है तो ये जो लेंथ है ये जो लेंथ है मान लो ये लेंथ की वैल्यू है आर ठीक है ये लेंथ की वैल्यू है आर तो भाई मुझे थीटा एंगल रोटेट करना है ठीक है अगर प्लस थीटा है तो एंटी क्लॉक माइनस थीटा है तो क्लॉक रोटेट करूंगा और इस पोजिशन पर इतना लेंथ आगे बढ़ जाऊंगा और मैं यहां पर पहुंच जाऊंगा तो इसका कॉर्डिनेट क्या होगा कितना लेंथ आप बढ़ने वाले हो और किस एंगल पर बढ़ने वाले हो यही है आपका पोलर कॉर्डिनेट और दोनों कॉर्डिनेट सिस्टम में जो आपका कॉर्डिनेट सिस्टम था और पोलर कॉर्डिनेट सिस्टम है दोनों केस में आप पोजिशन ही बता रहे हो काम खत्म और आप पोलर कोऑर्डिनेट को सिंपली कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हो इतना तो लॉजिक अब हमें लगी गया है माइनस एक्स माइनस वाई लिख देंगे और ये रहा मेरे पास मैंने यहां पर एक्स कॉर्डिनेट और वाई कॉर्डिनेट निकाल लूंगा किसकी मदद से ट्रिग्नोमेट्री की मदद से ठीक है कैसे क्योंकि हम ये तो जानते ही है टेंथ से कि ये लेंथ क्या है मान लो ये एक्स कॉर्डिनेट है ये वाई कॉर्डिनेट है तो एक्स अपॉन में

फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझने का और इसका पूरा यूज हम लोग फिजिक्स में करने वाले हैं ठीक है मैथमेटिक्स और फिजिक्स आपस में जुड़े हुए हैं केमिस्ट्री भी जुड़ी हुई है तो इनको साथ में लेकर चलना है अलग अलग लेके चलोगे तो आप तीन अलग नाव में सवार हो जो कि इम्पॉसिबल है ठीक है आपको एक ही नाव बनानी है आप साइंस के स्टूडेंट हो साइंस एंड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो और ये दोनों एक है अलग अलग नहीं है साइंस को पढ़ने के लिए मैथ्स को भाषा की तरह लो बस आपकी जर्नी बहुत आसान हो जाएगी ठीक है अब हम समझते हैं अगली चीज को जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है विच इज ग्राफ अब ये ग्राफ क्या होता है ठीक है ये बनाने के पीछे रीजन ये है कि कई बार हमारे पास ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है इस तरीके से और इसमें यहां पर प्लस वाई है ये प्लस एक्स है और यहां पर पोजीशन का ग्राफ दिया हुआ है बच्चे इसी के अंदर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं या पोजिशन टाइम ग्राफ ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं नहीं फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है ऐसा एक ऐसी चादर ठीक है नंबर की एक ऐसी चादर जिससे आप किसी की भी पोजिशन बता पा रहे हो ठीक है और ग्राफ क्या है ठीक है ग्राफ का मतलब है डेटा इंटरप्रिटेशन डेटा इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशन टू स्टडी इट टू स्टडी इट ठीक है डेटा को इंटरप्रेट करते हो आप दो एक्सिस के ऊपर ठीक है यहां पर दोनों एक्सिस को आप लिखते हो कैसे मान लो मैं यहां पर आपके पोजीशन को मान लो ये है मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ठीक है राइट नाउ मेरा पोजीशन जो है वो वन पर है देन टू पे गया देन थ्री पे गया देन फोर पे गया देन फाइव पे गया किसी भी चीज को समझने के लिए हमेशा सबसे पहले सबसे ईजीएस्ट एग्जाम्पल लो और फिर देखो मेरी जो स्पीड है ना आगे बढ़ने की वो है वन मीटर पर सेकेंड मेरी जो स्पीड है वो क्या है वन मीटर पर सेकेंड और अब मैं यहां पर डेटा को बनाता हूं कैसे मैं डेटा को लिखता हूं ऐसे ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये ग्राफ है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्योंकि यहां पर प्लस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई है फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसपे आप सिर्फ पोजिशन देख सकते हो ठीक है अब मेरी स्पीड है वन मीटर पर सेकेंड ठीक है तो यहां पर अब मैंने लिया ये हो गया मेरे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड और ये हो गया मेरे पास टाइम डिस्टेंस लिया है डिस्प्लेसमेंट नहीं डिस्टेंस ठीक है तो अब मैं ये कहूं कि जब मेरा टाइम एक सेकंड हो गया था तो मैंने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया था प्लॉटिंग तो उसी की तरह कर रहे हो तो भाई मेरा जो पोजीशन जो मेरा ग्राफ पे पॉइंट आएगा वो यहाँ आएगा जब दो सेकंड हो गए तो मैं दो मीटर ट्रैवल कर चुका हूं ठीक है जब तीन सेकंड हो गए तो मैं तीन मीटर ट्रैवल कर चुका हूं जब चार सेकंड हो गए तो मैं चार मीटर ट्रैवल कर चुका हूं पांच सेकंड हो गए तो मैं पांच मीटर ट्रेवल कर चुका हूँ और मेरा जो ग्राफ बना वो कुछ इस तरह से बना देखो रिजल्ट आया इसमें और इसमें और, इस और यहां पे अगर मैं अपनी पोजिशन को दिखाऊं तो यहां फिर यहां फिर यहां फिर यहां फिर यहां इस तरीके से है अब अगर इसकी बजाय मैं यहां गया होता ठीक है और डिस्टेंस टाइम ग्राफ निकालता प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर पे ठीक है तो अगेन मेरा ग्राफ तो सेम टू तो सेम बनता है क्योंकि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ठीक है और अगर मैं इसको ऐसे लेके गया होता मान लो हर सेकंड में इस तरीके से गया होता और मेरी जो स्पीड होती वो होती है रूट टू मीटर पर सेकेंड ठीक है तो मेरा ग्राफ कितना बनता है ये डिस्टेंस आपका कितना आता ये आता रूट टू ये आता टू रूट टू मतलब यहां से यहां तक टू रूट टू फिर अगला होता थ्री रूट टू फिर अगला होता फोर रूट टू उसके अकॉर्डिंगली मेरा ग्राफ यहां पर बनता तो ऐसा ही तो ग्राफ में आप डेटा को पुट करते हो उसके अकॉर्डिंगली जो लाइन बनती है फिर उसको स्टडी करते हो ठीक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिर्फ आपके को बताता है इसमें एक्स भी पोजिशन बता रहा है वाई भी पोजिशन बता रहा है और अगर थ्री में है तो जेड भी पोजिशन बता रहा है ग्राफ में आपके यहां और यहां डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं जिनको आप प्लॉट करते हो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह ही ताकि आप उस चीज को स्टडी कर सको इससे मुझे यह आइडिया मिल गया कि भाई डिस्टेंस टाइम ग्राफ मेरा यह है तो इस वक्त मेरा डिस्टेंस कहां पर था इस वक्त मेरा डिस्टेंस कहां पर था तो भाई अगर यहां पर आ रहा है तीन मीटर तो मैं ओरिजिन से तीन मीटर का एक डिस्टेंस लूंगा सर्कल बना लूंगा ये यहां से गुजरेगा सर्कल बना लूंगा तो मेरी पॉसिबिलिटी पॉसिबल लोकेशन आ जाएगी वेयर एज अगर मैं इसको डिस्प्लेसमेंट टाइमग्राफ बना लूंगा तो मुझे एक्जैक्ट पता होगा कि किस डायरेक्शन में मैं डिस्प्लेस कर रहा हूं सिंपल तो ग्राफ और फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कभी कंफ्यूज मत होना क्योंकि ग्राफ जो आते हैं उसमें दो अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं जिनको एक दूसरे से आप कंपेयर कर रहे हो और अकॉर्डिंगली आप डेटा को प्लॉट कर रहे हो ताकि आप उसको स्टडी कर सको और फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका सिर्फ और सिर्फ पोजिशन को बताता है ठीक है सो so, देखो आपको इन चीजों का आइडिया लग गया होगा अब इसी डिस्टेंस टाइम ग्राफ के हिसाब से अगर मैं इसका टाइम ग्राफ बनाऊं तो यह विलोसिटी है, है तो भाई स्पीड तो हर जगह सेम ही थी तो भाई टाइम गुजर रहा है और स्पीड मेरी सेम है तो ये लो पैरल एकस एकस क्या है टाइम है आपका क्यों क्योंकि आपकी स्पीड तो चेंज हुई ही नहीं है और इसी पे आगे चल के हमारी कैलकुलस डिपेंड करेगी हर पॉइंट पे हमारा टाइम क्या है हर पॉइंट पे हमारी पोजीशन क्या है स्पीड क्या है इन चीजों को हम कैलकुलस के मदद से निकालेंगे तो सीक्वेंस में बने रहना ठीक है क्योंकि सीक्वेंस अगर आप ब्रेक करोगे इसका देखो सबसे बड़ा ड्रॉबैक पता क्या होगा सीक्वेंस को ब्रेक करने का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ना वो यही है कि हम चीजों को फिर देखो एक धागा ये जो धागा है ना ये सिंपल धागा ही है लेकिन अगर इसको उलझा दिया जाए तो इसको समझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है हम सीक्वेंस को ब्रेक नहीं करेंगे हम सीक्वेंस को पढ़ेंगे ठीक है फर्स्ट वीडियो में जो इंपॉर्टेंट वीडियो थी आप लोगों के लिए जो जेई के एग्जाम के लिए मैंने बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था चीजें अनऑर्डर्डर् इलेवंथ है ट्वेल्थ में इलेवंथ के फिजिक्स के लिए ट्वेल्थ की मैथ्स ठीक है ट्वेल्थ के फिजिक्स के लिए इलेवंथ की फिजिक्स आनी चाहिए तो ये जो के है और इलेवंथ की केमिस्ट्री के लिए ट्वेल्थ की फिजिक्स आनी चाहिए इवन केमिस्ट्री के लिए तो पूरा फिजिक्स का बेस आपका स्ट्रॉग होना चाहिए फिजिक्स ही स्ट्रॉग नहीं होती क्योंकि वो मैथ आपकी ट्वेल्थ में है इस के को ना सिंप्लीफाई कर दिया है जो चीज सही में जहां जरूरत है उसको वहां ले आओ और सच महीने में देखा जाए तो चार से पांच महीने मैक्स टू मैक्स लगते हैं अगर आप पूरी डेडिकेशन के साथ पढ़ोगे ना पूरी इलेवन ट्वेल्थ था मोटा मोटा मैक्स टू मैक्स छह महीने में कंप्लीट कर सकते हो छह महीने में और अच्छे से अगर करोगे तो देखो यहां पर सीक्वेंस में पढ़ते हैं तो चीजें समझ आती है और समझ आती है तो मजा आता है और जब मजा आता है तो पढ़ाई अपने आप आसान बन जाती है और जब वो आसान बन जाती है तो क्वेश्चन भी होने लगते हैं मोटिवेशन बढ़ता है मोटिवेशन बढ़ता है तो नंबर कटेंगे नहीं क्योंकि हम सही से पढ़ रहे हैं जब नॉलेज है तो रिजल्ट आएगा और जब रिजल्ट आएगा तो हमारा सिलेक्शन होगा ही होगा इसमें कोई दो राय है ही नहीं ऑल आई रिक्वेस्ट यू इज टू स्टडी इन सीक्वेंस दैट्स इट और लेकिन क्यूरियोसिटी के साथ ऐसा नहीं कि बस कॉपी खोल के बैठ के पढ़ना स्टार्ट कर दिया पढ़ो सीक्वेंस में पढ़ो ठीक है और सीक्वेंस आपको हमारे ऐप आप में डायरेक्टली मिल जाएगा यूट्यूब थोड़ा सा बस रैंडमनेस रहती है और कुछ नहीं कि आपको कब कौन सी वीडियो मिली हमें नहीं पता ठीक है लेकिन ऐप पे वो डायरेक्ट मिलेगा और अपने दोस्तों को भी लेकर आओ बिकॉज एम वेदास का जो मेन मिशन है वो है प्रोवाइडिंग द राइट वे ऑफ एजुकेशन ठीक है सो so, अब देखो अब ये हमारा पार्ट हुआ कंप्लीट कि ग्राफ क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है इस चीज के बारे में हमने समझा और यहां से हमें दो टॉपिक्स और समझ आ गया कि ओरिजिन शिफ्ट एंड रोटेशन ऑफ ओरिजिन ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो ये आपका कॉर्डिनेट ज्योमेट्री जब हम पढ़ेंगे उससे पहले इसकी वीडियो आएगी आपके लिए ठीक है और अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग लेकर आएंगे वो बहुत छोटी वीडियो होगी तीन से चार मिनट की होगी पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ उसके बाद आएगा आपका ओरिजिन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री तो अगर आप YouTube पे देख रहे हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इन चीजों को आप एक्चुअली में मिस नहीं कर सकते हो आपको अगर अपनी पढ़ाई को आसान बनाना है तो क्योंकि उसके बाद है लॉग लॉग के बाद है आपका ई e की खोज और फिर आगे आपको वो भी मिलेगा पार्शियल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट भी मिलेगा ओरिजिन शिफ्ट भी मिलेगा रोटेशन ऑफ ओरिजिन भी मिलेगा और आपके कैलकुलस की जो डीपेन नॉलेज है वो भी आपको यहीं पर मिलने वाली है बाकी सिक्वेंस के लिए तो हमारा एप्लीकेशन है ही ठीक है तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में पाइथागोरस के साथ टेल देन टेक केयर बाबा जय हिंद